कैसे हैं आप सब। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं यूपीएस एकेडमी के तहत। इसमें हम आपको बायोलॉजी का चैप्टर चौथा जो चैप्टर था हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ था इनफर्टिलिटी के बारे में। आज हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप देख लीजिए कि हम लोग पॉइंट क्या बनाए हैं। इनफर्टिलिटी पॉइंट है हम लोग का। इनफर्टिलिटी पहले ये जानना है कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जनन अक्षमता कहिए या इसको बंधिता भी कहा जाता है, या अगर आप गांव की में रहने वाले हैं तो वहां की भाषा के अनुसार या गांव में लोग कहते हैं कि बांझपन। तो ये जो बांझपन है या इनफर्टिलिटी है या जनन अक्षमता है या बंधिता, ये सभी एक ही चीज है। आखिर पहले सबसे पहले जानना यह है कि अगर कोई मेल या फीमेल बंधिता का शिकार होता है, इसका ओरिजिन क्या है। सबसे पहली बात, अगर कोई जो है दंपत्ति अगर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है तो इसका रीजन क्या है। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है मेल में कि शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा है। पहले हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा है, एगो परेशानी। या ये भी तो हो सकता है कि शुक्राणु का निर्माण तो हो रहा है मेल में, लेकिन फीमेल में जो है वह ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है। एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। पहला क्या था, यह हो सकता है कि शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरी बात क्या थी कि ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि शुक्राणु का निर्माण भी हो रहा है, ओवम का निर्माण भी हो रहा है, और ये दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये भी तो हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि शुक्राणु भी बना, अंडाणु भी बना, लेकिन दोनों आपस में मिलने में असमर्थ है, एक बात ये हो सकती है। या अगर इसके बाद अगर बात करें तो यह भी तो हो सकता है कि मादा जननांग में फेलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, वो भी काम नहीं कर रहा हो, एक परेशानी ये भी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि शुक्राणु अंडाणु मिल रहे हैं, निषेचन की क्रिया भी हो रही है, लेकिन गर्भधारण के समय जो है इंडोमेट्रियम्स की दीवार काम नहीं कर रहा, ये भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो बंधिता होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ, अभी हम लोग बात किए अंडाणु का भी निर्माण नहीं हुआ, तो ये सारे रीजन्स हो सकते हैं। अगर हम इसको एक डिफिनेशन के तौर पर देखें तो हम लिख सकते हैं कि असुरक्षित सहवास के बावजूद अगर दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो तो उसे बंद दंपत्ति कहते हैं। मतलब उसे जो है सो बंद दंपत्ति कहेंगे, तो संतान उत्पन्न करने में वह असमर्थ है। तथा यह जो घटना कहलाती है, यह जो घटना है, यह घटना बंधिता कहिए या जनन अक्षमता कहिए या आप इसको इनफर्टिलिटी कहिए। अब बात यहां पर यह आती है वह कि अगर दंपत्ति को संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है तो आप देखे होंगे समाज में कि कुछ ऐसे भी परिवार आपको दिखाई दिए होंगे जिसमें कोई माता पिता पहली बार संतान उत्पन्न करने में सफल हो गए, लेकिन किसी भी कारणवश वह शिशु नहीं रहा, और दूसरी बार जो है वो जब संतान उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए तो उन्हें असफलता ही मिली। से एक रीजन ये भी देखे होंगे। दूसरा आप कंडीशन देखे होंगे कि कोई ऐसी मतलब दंपत्ति है जो कभी भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हुआ है, ऐसा भी रीजन है। तो दो चीजें यहाँ पर देखना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। मतलब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्राथमिक जनन अक्षमता। तो प्राथमिक जनन अक्षमता और दूसरा है हम लोग का द्वितीयक जनन अक्षमता। मतलब कि बंधिता को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एगो को प्राथमिक और एगो को द्वितीयक। मतलब इसको कह सकते हैं प्राथमिक जनन अक्षमता और दूसरा है हम लोग का द्वितीयक जनन अक्षमता।
इसमें क्या होता है कि अगर कोई दंपत्ति, जैसे कि हम परिभाषा भी लिख लिए हैं कि प्राथमिक जनन अक्षमता में, कि प्राथमिक जनन अक्षमता उन रोगियों में पाई जाती है जो कभी भी गर्भधारण नहीं कर पाते, मतलब वो प्रारंभिक समय से ही कभी एक बार भी गर्भधारण की प्रक्रिया वह नहीं किए हैं, तो वैसे दंपत्ति को प्राथमिक जनन अक्षमता के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अब कोई ऐसी भी दंपत्ति होगी जो पहली बार तो गर्भधारण करने में सफल हुए, लेकिन उसके बाद वह गर्भधारण करने में हमेशा असफल रहती है, तो उसको रखा गया है द्वितीयक जनन अक्षमता के अंतर्गत। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखे हम लोग, तो इसमें रोगी पहले तो गर्भवती हुई थी, मतलब पहली बार हुई थी, लेकिन अब संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, मतलब एक बार वो संतान उत्पन्न की लेकिन उसके बाद अगर वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, तो ऐसे दंपत्ति को कहा जाता है द्वितीयक जनन अक्षमता। तो ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं अभी इनफर्टिलिटी का, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगा, हुआ सबसे पहले इसका डिफिनेशन आपको एकदम कम्प्लीट रखना है, क्योंकि डिफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप इसके टाइप की अगर चर्चा करते हैं, तो टाइप में कभी कभी मतलब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी अगर दे दे कि अगर अगर कोई दंपत्ति कभी भी गर्भधारण अगर नहीं कर पाई है तो उसे किस जनन अक्षमता के अंतर्गत रखा गया है, तो हो सकता है ऑप्शन दे दे, प्राथमिक दे दे, द्वितीयक दे दे, दोनों दे दे, या इनमें से कोई नहीं दे, तो फिर आपको वहां पर काम कर लेना होगा कि प्राथमिक जनन अक्षमता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका दोनों टाइप्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद दोनों का परिभाषा भी आप अच्छे से कंप्लीट रखिएगा। इसके बाद वो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन देख लिए, इसका टाइप देख लिए, ये दोनों का परिभाषा देख लिए। अब बारी आता है ये देखना है कि इनफर्टिलिटी अगर मेल में हो रहा है तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, और अगर फीमेल में हो रहा है तब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। तो मेल के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग अभी देख लेते हैं कि मेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का, और फीमेल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का। तो चलिए इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, मेल में किस प्रकार से होगा और फीमेल में किस प्रकार से होगा। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में, तो आपको बताए थे कि अब मेल में बंधता के क्या क्या कारण है, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो उसमें अगर बंधता है तो क्या कारण। तो मेल का पहला कारण बाबू ये हो सकता है क्या कि वीरसन का अंडकोष में ना उतर पाना, पहला रीजन। अगर अंडकोष में वीरसन नहीं होगा तो वह शुक्राणु के निर्माण में असमर्थ हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि वीरसन में शुक्राणु का निर्माण ना होना, अगर शुक्राणु ही नहीं बनेगा तो निषेचन क्रिया कभी पूर्ण हो नहीं सकती है, और जब निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी तो गर्भधारण की प्रक्रिया कभी संभव है ही। उसके बाद अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट हम लोग का है, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वीरसन में शुक्राणु का निर्माण न होना, लेकिन अगर देख लो कि अगर कहीं निर्माण हो जाए तो तीसरा पॉइंट यह क्या बना हुआ है कि शुक्र वाहकों व शुक्र वाहिकाओं की रुकावट, मतलब अगर शुक्र वाहिका नली ही अगर काम नहीं करे तो वीरसन में शुक्राणु का निर्माण तो हुआ, लेकिन अगर वह शुक्र वाहक द्वारा शुक्राशय तक अगर नहीं पहुंचेगा शुक्राणु, तो फिर निषेचन क्रिया करने में असमर्थ हो जाएगा। चौथा बात कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो वह एक प्रकार का डिजीज है, इसको बीमारी भी कहते हैं, और यह एक अनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत आता है आपका यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है कि ऐसे तो यह बीमारी मेल में ही होता है, फीमेल में बीमारी नहीं होता है। इस बीमारी में क्या होते हैं कि गुणसूत्र की संख्या जो है वह एक बढ़ जाती है, जैसे आप जानते हैं कि मानव में गुणसूत्र की संख्या है 46, और 46 गुणसूत्र में क्या है कि 44 गुणसूत्र जो है उसको कहते हैं ऑटोसोम, और दो जो है आपका एक्स और वाई इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो इसी में क्या होता है कि एगो एक्स बढ़ जाता है, इसी कारण बस एगो एक्स बढ़ जाता है। तो जखने एगो एक्स बढ़ा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 से हो गई 47, और जखने 47 हो गया तो इसमें फीमेल के लक्षण, मतलब इस मेल में फीमेल के लक्षण कुछ ज्यादा परिलक्षित हो जाएंगे,
तो जखनी ज्यादा प्रदर्शित होगा फीमेल का लक्षण तो स्वाभाविक है फीमेल हार्मोन ज्यादा बनेगा और मेल हार्मोन कम बनेगा, तो शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं। और जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो फिर इस रूप से ग्रसित जो मेल होंगे वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे। तो चार गो पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है जिसको आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, मतलब अगर अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो वो मेल जो होते हैं वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर आप लोग सोच लीजिए क्या करना है, शराब का सेवन करना है या नहीं करना है। तो ये तो बात हो गई मेल का। अब लोग बात करते हैं बड़े फीमेल में कि फीमेल में क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि वह बंधुता का शिकार हो सकती है। तो पहला देखिए क्या है कि अंड मुक्त नहीं होना, मतलब अगर ओवम का निर्माण नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जखने ओवम का निर्माण होगा ही नहीं तो शुक्राणु निषेचन की क्रिया कर नहीं पाएगा, तो फिर संतान उत्पन्न संभव है ही नहीं। दूसरी बात है कि फेलोपियन नली अंड को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है, मतलब अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ और वहां से अंडाणु चला लेकिन फेलोपियन ट्यूब जो है वह उसे ले ही नहीं पाता है। मतलब हो सकता है इसमें किसी प्रकार का रुकावट हो, जन्मजात रुकावट हो या दुर्घटना कारण कोई परेशानी हो गया हो। तो जखनी यहाँ पर अंडाणु मतलब ओवम नहीं आएगा तो निषेचन क्रिया होगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नलिका में, और यहाँ पर पहुंचा ही नहीं तो निषेचन नहीं होगा। अब तीसरी बात यहाँ पर हुआ कि गर्भाशय का जन्मजात खराब होना, तो ये तो मतलब कि बहुत कम केसों में ऐसा देखा जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा हो भी सकता है कि अगर कोई फीमेल जन्म लेती है और जन्म के समय ही उसके गर्भाशय किसी भी कारणवश जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जो गर्भ धारण करने में असमर्थ रहती है। या ये भी हो सकता है कि जन्म के समय तो ठीक था लेकिन बाद में किसी भी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हुआ, प्रभाव पड़ गया गर्भाशय पर, अब वो काम ही नहीं कर रहा। जब इस पर काम ही नहीं कर रहा तो स्वाभाविक गर्भ धारण की प्रक्रिया नहीं होगी, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। और चौथा रीजन आप देख रहे हैं कि सर्विक्स में दोष उत्पन्न होना, तो जखनी सर्विक्स में दोष उत्पन्न होगा तो फिर शुक्राणु नहीं पहुंच पाएगा, तो ये भी एक परेशानी है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो हम लोग देखे थे कहा, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला में, तो यहाँ पर क्या था कि जखनी एगो एक्स बढ़ा तो हार्मोन की स्थिति यहाँ पर भी गड़बड़ाया था, जखनी यहाँ पर हार्मोन की स्थिति गड़बड़ाया तो क्या हो गया था कि फीमेल हार्मोन ज्यादा हो गया, फीमेल हार्मोन ज्यादा हुआ तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ, वही बात हो गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हार्मोन की मात्रा में कमी होना, तो हो सकता है कि इसमें गुणसूत्र में गड़बड़ी हो या किसी भी कारणवश अगर हार्मोन की मात्रा अगर किसी भी कारणवश अगर कम हो जाए तो फिर यह दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेल में ये सारे रीजन्स हो सकते हैं बंधिता का, और फीमेल में जो है सो ये सारे रीजन्स हो सकते हैं बंधिता का। तो अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगर दे दे कि बंधिता किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखें, तो हम लोग पहले काम किए थे जस्ट तो एक मिनट पहले उधर वो काम कर लेंगे। या उसी में क्वेश्चन अगर दे दे कि बंधिता किसे कहते हैं और मेल में किस प्रकार से बंधिता होता है, तो मेल के बारे में दर्शा देंगे। अगर कहीं पूछ दिया फीमेल में तो फीमेल के बारे में दर्शा देंगे। तो ये तो हो गया हम लोग का रिप्रोडक्टिव चैप्टर का लास्ट पॉइंट था इनफर्टिलिटी, जो हम लोग का भी कम्प्लीट है। वैसे आप लोग अपने बुक में भी देख लीजिएगा, अगर लगे कि कुछ पॉइंट्स छूटा हुआ है या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स लगे तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, और इस सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार। फिर आप अगला जो है चैप्टर हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, इतना तक आप लोग कंप्लीट करके फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।